अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनी फ्रॉम एमिनेंट टेक्नो। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का फुल रिव्यू। तो चलें शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के डिज़ाइन के बारे में। बैक साइड पे चलते हैं, तो बैक साइड पे हमें बहुत प्यारा कलर का हमें ग्रेडियंट कलर मिल जाता है, जिसे पर्पल कलर कहा जा रहा है, जो कि डुअल टोन कलर है। यानी मिक्स मकसद ये है कि आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में इसे आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको 2 से 3 कलर आपको इसमें नुमाया होंगे। जो इसके मोबाइल फ़ोन की हैंड ग्रिप और फील है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर इसके कैमरा जो सिचुएशन की उसकी बात की जाए, तो देखें आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा मोबाइल फ़ोन के से थोड़ा सा बाहर है, मतलब ये कि बम्प निकला हुआ है, जो कि वैसे तो कोई मसला तो नहीं इतना, लेकिन अगर आप टेबल्स वगैरह पे रखते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो जो कैमरा लेंसेज वगैरह उन पर स्क्रैचेस वगैरह आने का खतरा होता है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोबाइल फ़ोन के राइट साइड पे देख लिया जाए, तो आपको राइट साइड पे इसको सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यही आपका पावर और लॉक अनलॉक बटन है, और इसी के साथ आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की कीज़ मिल जाती हैं। और टॉप वाली साइड पे देख लिया, टॉप इसका एम्प्टी है। लेफ्ट साइड की तरफ देख लिया, लेफ्ट साइड पे आपको दो सिम और एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है, जो कि ट्रे में है और इसी मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट होती है। नीचे वाली साइड पे अगर बात कर ली जाए, तो भाई पहले मोबाइल फोन में जरा हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। दरअसल हमारी लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए माज़र। तो इसके हम नीचे वाले बात कर लेते हैं वॉच वगैरह की। तो आपको 3.5 mm का इसमें हैंड फ्री का जैक मिल जाता है, उसी के साथ आपको माइक्रोफोन का जैक मिल जाता है, जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जी, अब आपको थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और आपको इसमें USB के टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, और उसी के बराबर में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके जो बैक स्पीकर है, उसका जो फ्रंट स्पीकर है, दोनों सेम टाइम में वर्क करते हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। स्पीकर्स की मैं बात करें, तो आप उसका थोड़ा सा साउंड का टेस्ट करवा देते हैं, आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अब इसका साउंड का सही तरीके से मुलायजा आप कर सकते हैं। मैं वो थोड़ा सा करीब करके आपको साउंड सुना देता हूँ इसका। इसके नीचे वाले स्पीकर की आप आवाज़ सुन सकते हैं, अब इसके ऊपर वाले स्पीकर की आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स में मिल जाते हैं, इसमें बहुत अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के हवाले से, तो डिस्प्ले हमें इसमें मिल जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से IPS 6.95 इंचेस का बहुत बड़ा डिस्प्ले, जो कि फुल HD की रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। और इसी के साथ हमें इसी डिस्प्ले के अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। पंच होल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जो कि बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है इसकी। इस डिस्प्ले की सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें जो मैं आपको बताता चलूँ, उसमें 90Hz का इसमें डिस्प्ले मिल जाता है हमें, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और 90Hz के रिफ्रेश रेट पर काम करता है। इसमें आपको मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आप ये देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, वो इमीडिएट एक Helio G95 का प्रोसेसर है, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है। मेरी नज़र में देखा रहा है, तो मैं इस मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके प्रोसेसर के हवाले से। इसमें जो हमें रैम मिल जाती है वो 8GB की रैम है, और जो हमें इसमें स्टोरेज मिल जाती है वो 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। मैं आपको दिखाता चलूँ थोड़ा जूम करके, इसमें मैंने कार्ड भी इंसर्ट किया हुआ 8GB का, तो 126GB शो कर रही है। तो इसकी जो ओरिजिनल स्टोरेज है वो 128GB है, 128GB के इसमें यानी कि हमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 8GB की हमें इसमें मेमोरी मिल जाती है। ओवरऑल मोबाइल फ़ोन को देखा जाए, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
हमें इसमें जो बैक कैमरा मिल जाता है वो 64 मेगापिक्सल का हमें इसमें बैक कैमरा मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है। इसके बैक कैमरा इसके अगर आपको कैमरा शॉप पर भी चेक करवा देते हैं, बैक कैमरा में जैसे हमें एंटर करते हैं तो भाई इसकी फ्लैश लाइट जल चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी सी भाई रोशनी प्रोवाइड कर रही है। हम आपको इसमें फीचर्स वगैरह कुछ कैमरा में दिखाते चले तो वीडियो का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको AI कैम इसमें फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का है तो आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का नज़र भी आ रहा होगा ऑप्शन, आप इसमें फीचर 64 मेगापिक्सल की भी क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको ब्यूटी मोड का पोर्ट्रेट सुपर नाइट मोड इसका बहुत ज़बरदस्त मोड है जो तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है उसी के साथ ही आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है। जैसे ही आप इसके 1x के 0.0x के बराबर में क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके वाइड एंगल लेंस पर चल जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखें इसका वाइड एंगल कैमरा है, हम इसके नॉर्मल कैमरा पर स्विच करने लगे हैं और ये इसका नॉर्मल कैमरा है तो वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी भी अच्छी है। मैं आपको वापस उस पर जूम करके लगा के दिखाता हूँ। ये वाइड एंगल लेंस कैमरा इसकी क्वालिटी अगर मेन नज़र से आप देख रहे हैं तो आपको ये 8 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है वाइड एंगल लेंस, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ, तो इस पर अब भाई हम लोग नज़र आने लगे हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं। इसका जो फ्रंट कैमरा वो हमें 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। फिलहाल आपको वीडियो में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं नज़र आ रही होगी लेकिन मैं कुछ कैमरा सैम्पल्स वगैरह ऐड कर दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो वीडियो में 4K तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, लाइटनिंग अपनी थोड़ी सी कम करके देखिए। इसमें फ्रंट कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, इसका बैक कैमरा भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है जो कि इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इसमें हमें वीडियो क्वालिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर इस मोबाइल फ़ोन को देखा जाए, मैंने इसे 4 महीने इस मोबाइल फ़ोन को पूरा का पूरा यूज़ किया है, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन रहा, बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी रहा। 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, 128 GB की स्टोरेज, 8 GB की रैम, ओवरऑल इस पैकेज को देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त पैकेज है। ऑप्शन आपके पास सामने मैंने रख दिए हैं लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप इन्फिनिक्स का नोट 12 भी बाय करें, बहुत अच्छी डिवाइस है। आपको डे टू डे यूजेज या फिर मल्टीटास्किंग के किसी भी हवाले से आपको मोबाइल फोन डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तब तक नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।